छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में अध्याय 6 ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में अध्याय 6 ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ही हम ऊतक कहते हैं। तो ये जो ऊतक होता है, तो आपने देखा जीव, एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। आप उदाहरण देख सकते हो, अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम, और भी हैं एक कोशिकीय जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। और इनके सारे कार्य, ये जीवित रहते हैं, सारे कार्य कोशिका ही करती है। और बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम लोग मनुष्य, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव। तो इन कोशिक बहुकोशिकीय मतलब जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये कुछ जैसे यहाँ की कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को करने लगी, यहाँ की कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को करने लगी, और धीरे धीरे इनसे अंग बनते गए। तो कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऊतक। तो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक। तो ऊतक में जंतु ऊतक भी होते हैं और पादप ऊतक भी होते हैं। जो पौधों के शरीर में पाए जाते हैं वो पादप ऊतक, और जो जंतु में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं जंतु ऊतक। तो अभी हम आज यहाँ पढ़ते हैं पादप ऊतक के बारे में। तो ये दोनों पहले अंतर देख लेते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक, या दोनों की वृद्धि में क्या अंतर होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं पादप ऊतक के बारे में। तो आपको पता है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, और पौधे स्थिर होते हैं। कुछ ही पौधे होंगे कोशिकीय जो पानी में पाए जाते हैं, वो तैर कर जा सकते हैं। और जंतु अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये उनके ऊतक में अंतर है। पौधे ऊर्जा का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, बल्कि ऊर्जा हमारे लिए भोजन के रूप में बचा के रखते हैं। जंतुओं में सभी क्षेत्रों में समान रूप से वृद्धि होती है, और पौधों में कुछ विशेष क्षेत्रों में ही वृद्धि होती है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं जंतुओं में, और पौधों के अधिकांश ऊतक क्या होते हैं, मृत होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पादप ऊतक। तो जो पादप ऊतक है, तो इसको हम पहले दो भागों में बांट सकते हैं। पादप ऊतक को एक होता है विभोजित ऊतक, विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब होता है कि इसमें विभाजन की क्या होती है, क्षमता होती है। कोशिकाएं बार बार विभाजित होती होती रहती हैं यहाँ की। दूसरा ऊतक होता है स्थायी ऊतक। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो भी भज्योतक ऊतक होता है, इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं।
अग्रस्थ, या इसको हम बोल सकते हैं शीर्षस्थ, शीर्षस्थ ऊतक। एक ऊतक होता है ये पार्श्वीय ऊतक, पार्श्वीय मतलब जो साइड में होता है, एक होता है अंतर विष्ट ऊतक। इस प्रकार हम देखते हैं कि अग्रस्त और शीर्षस्थ, नाम से है कि पेड़ पौधों के जो अग्र सिरे होते हैं वहां पर ये ऊतक ज्यादा पाए जाते हैं। पार्श्वीय ऊतक मतलब आप देखते हैं ना पेड़ पौधों की परिधि, उनका जो तना है मोटाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्विष्ट ऊतक मतलब जहाँ से उनकी पत्तियां या दूसरी शाखाएं निकलती, जहाँ उनके पर्व संधि पाए जाते हैं वहां पर होता है अंतर्विष्ट ऊतक। आप यहाँ पर देखेंगे ये चित्र के द्वारा हम जो विभो भज्योतक ऊतक है उसके बाद ये शीर्षस्थ, ये देखिए अग्रसिरा है, तो यहाँ पर कोशिकाएं हैं जो इनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ही सक्रिय होती हैं, और मतलब जो जो ऊतक है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अत्यधिक क्या होती हैं, क्रियाशील। होती है वो बहुत तो इसका जो है वो कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, और जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है, उसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है, और इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और इनका जो केंद्रक है वो भी बहुत ही स्पष्ट होता है। अंतर्विष्ट विभोजतक मतलब ये देखिए यहाँ से एक शाखा निकली हुई है, ये अंदर पाया जाता है, और एक होता है पार्श्व, पार्श्व मतलब हम कहना चाहिए ये एक कैम्बियम शब्द आता है, इससे तने की या उनकी व्यास में वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे स्थाई ऊतक के बारे में, हमने शुरू में बताया था स्थाई ऊतक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इस वाले स्थाई ऊतक को दो भागों में, एक होता है सरल स्थाई ऊतक, एक होता है जटिल स्थाई ऊतक। स्थाई ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी तीन प्रकार का होता है, ये नाम याद करना बहुत जरूरी है। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है क्लोरेन काइमा, स्केलेरेन काइमा।
अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जो पैरेन्काइमा होता है ये एक जीवित है, जीवित ऊतक है, और इसमें जो पैरेन्काइमा, तो कभी कभी इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आप देखिए पत्ती की सतह के नीचे जो कोशिकाएं होती हैं, वो उनके बीच बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। आप ये देखिए, मतलब ये कोशिका एकदम सटी हुई नहीं रहती हैं, इनके बीच में आप देख सकते हो ये सब क्या है, खाली स्थान पाया जाता है इस प्रकार। और ये जो है वो है केंद्रक। तो ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं भी ज़्यादा सक्रिय होती हैं, इनमें रसधानियाँ कम होती हैं, और कभी कभी ये अधिकतर जो पैरेन्काइमा है इनका काम है भोजन का संचय करना, भोजन को संग्रहण करती हैं, भोजन का संग्रहण करना। कभी कभी क्या होता है कि इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं में कभी कभी क्लोरोफिल के कण पाए जाते हैं। जब क्लोरोफिल के कण पाए जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। कब बोलते हैं क्लोरेन्काइमा? जब उसमें क्लोरोफिल हरित लवक क्लोरोफिल मतलब जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है, तो कभी कभी ये क्लोरेन्काइमा इनमें हरित लवक पाया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, जिससे कि ये भोजन का संचय करती हैं। और एक और हो सकता है कि कभी कभी एक होता है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा मतलब हवा, एयर, कभी कभी इनके अंदर हवा भर जाती है, इसके कारण ये हल्के हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो जलीय पौधे हैं कमल वगैरह, तो उनके अंदर ऐसे खोखले स्थान होते हैं और उसमें हवा भरी हुई रहती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इस पैरेन्काइमा को क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। उसके बाद दूसरा है, एक हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हम पढ़ेंगे क्लोरेन कोलेन्काइमा। दूसरा इसका जो ऊतक है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा। क्लोरेन अलग है और कोलेन अलग है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल सटी हुई रहती हैं, और इनके बीच में किनारों पर आप देखेंगे जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल सटी हुई हैं, और इनके किनारों पर कुछ पदार्थ जमा हो जाता है, इसके कारण ये किनारे इनके क्या हो जाते हैं, देखिए कोशिकाओं के किनारे पर ये इस प्रकार ये जमा हो जाता है। और ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, पौधे को लचीलापन। इनका कार्य क्या है, पौधे को यांत्रिक सहायता करना, और ये पौधे को मजबूती भी प्रदान करते हैं और पौधे को लचीलापन देते हैं।
ये था कोलन काइमा। तीसरा है स्क्लेरन काइमा। ये कोशिकाएं अधिकतर, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अधिकतर षटभुजाकार होती हैं, और इनके अंदर रिक्त, ये हमेशा दोहरी भित्ति वाली होती हैं ये, और अधिकतर ये कोशिकाएं मृत भागों में पाई जाती हैं। ये देखिए दोहरी भित्ति वाली होती हैं और इनके अंदर ये सब लिग्निन नाम, ये यहाँ पर मोटापन आ जाता है सब कोशिकाओं में, और इनके अंदर जो जमा होता है पदार्थ वो होता है लिग्निन। एक लिग्निन नामक पदार्थ इसमें जमा हो जाता है, और ये अधिकतर जैसे नारियल के आपने जट्टे देखे हैं, बीज जो कठोर होते हैं ये कठोर वाले स्थान में पाए जाते हैं, और ये इनका कार्य है पौधे को मजबूती प्रदान करना। एक लिग्निन नामक पदार्थ जमा हो जाता है और ये इनका कार्य है, जो कठोर हिस्से होते हैं पौधे पौधे को कठोरता प्रदान करते हैं। बीज जो कड़े हो गए हैं, आपने नारियल के रेशे देखे हैं जो जटे वाले हैं कठोर, तो ये स्क्लेरेन काइमा। तो ये थे आपके सरल विभियोजिति की ऊतक। इसके बाद हम पढ़ेंगे जटिल जटिल स्थायी ऊतक बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। ये एक पत्ती की बताया गया है, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनकर ऊपर उड़ना। तो ये आपको पत्तियों में छिद्र दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ माइक्रोस्कोप से देख रहे हो आप, ये छिद्र होते हैं, और आजू बाजू ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं इनको रक्षी कोशिकाएं बोलेंगे। तो ये एपिडर्मिस, जो किसी भी सतह की ऊपरी सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस सतह। जो बाहरी सतह होती है पौधों की उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के नीचे इस प्रकार ये देख रहे हो रंध्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और इस प्रकार पानी वाष्प बनकर उड़ता है। तो ये एपिडर्मिस कोशिकाएं जो होती हैं अधिकतर ये पतली भित्ति वाली होती। कभी कभी आपने देखा होगा मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं पत्तियां में एक मोटा आवरण होता है, तो उसमें क्यूटिन पदार्थ पाया जाता है जो कि उस पत्ती को थोड़ा मोटा बनाता है। मरुस्थल में पानी की क्या होती है, कमी होती है, तो पानी को बचाने के लिए तो उनमें ये क्यूटिन पदार्थ पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधों में कोशिकाएं रूपांतरित भी हो जाती हैं अपने वातावरण के अनुकूल। अब हम पढ़ेंगे छाल। आपने कभी नया पौधा और पुराना पौधा देखा, नया पौधे में आपको छाल दिखाई नहीं देगी,
कोशिका नरम रहता है, और जो पुराना पौधा होता है, बड़े बड़े आप बरगद के पेड़ देखिए, तो उसमें बाहरी परत पर ये छाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं वो ऊपरी परत पर कुछ फटी हुई रहती हैं, और किसका निर्माण करती हैं? छाल। इस छाल में ये सुबेरिन, एक सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अभी कभी आपने देखे लकड़ी के ढक्कन बनते हैं, कॉर्क बनते हैं, वो उसमें वही सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो इस प्रकार ये छाल भी वृक्षों की, जो पुराने वृक्ष होते हैं उनकी बाहरी सतह पर पाई जाती हैं, और ये पानी और गैसों के लिए अपारगम्य होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा ये कोशिकाओं का सरल स्थायी ऊतक। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। तो आपको ऊतक की परिभाषा बताना है ये प्रश्न, और पौधों में जब वाष्पोत्सर्जन होते हैं तो उनके द्वारा कौन से दूसरे कार्य होते हैं? जब पानी वाष्प बनकर उड़ेगा तो नीचे से पानी ऊपर की ओर खींचेगा। तो ये आपको दोनों प्रश्न करना है। धन्यवाद।